मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीरू। आज मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। आज तक आपने बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है। बट ये जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करने के लिए एक स्पेस है हमारे पास अवेलेबल, क्योंकि जो ये एलिमेंट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 118 है, ठीक है, काउंटिंग में, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। बट इनको अरेंज करने के लिए एक टेबल बनाया गया था, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है, जो कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करता है, क्लासिफाई मतलब अलग अलग स्पेस देता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, या फिर एटॉमिक वेट के बेसिस पे। आपको सेम एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखना है और डिफरेंट एलिमेंट को डिफरेंट ग्रुप में रखना है। तो ये सारा अरेंजमेंट जहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको पीरियोडिक टेबल कहलाता है, ठीक है। समझ आई आपको बात, कि जो पीरियोडिक टेबल होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम एलिमेंट्स को सेम ग्रुप या फिर सेम कॉलम में अरेंज करते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करते हैं। ग्रुप्स और कब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जिस टेबल में अरेंज किया जाता है सारा अरेंजमेंट, उसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ठीक। तो पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि 118 एलिमेंट एकदम तो हमारे पास एग्जिस्टेंस में आए नहीं थे। तो जो साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करके, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट का इसमें वो रहा है, योगदान रहा है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी करके इन 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो हर साइंटिस्ट ने अपना अपना अरेंजमेंट दिया था। ये पीरियोडिक टेबल तो हमारे पास लास्ट में, जो लास्ट वाला जो साइंटिस्ट है उसने अरेंज किया था, बट पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज दिए थे कि एलिमेंट्स को हम किस किस तरीके से किस किस टेबल में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा था, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप साइंटिस्ट को क्यों नीड हुई या हमें क्यों नीड हुई कि एलिमेंट्स को हम अलग अलग स्पेस में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो जॉन डॉल्टन नाम के साइंटिस्ट आपने सुने होंगे, जॉन डॉल्टन। सबसे पहले तो देखिए, जॉन डॉल्टन नाम का जो साइंटिस्ट थे, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी आप सबने रीड करी है, तो जॉन डॉल्टन नाम का जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के बेस पे डिफरेंट किया था, कि सारे एटम्स जो होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। तो एटॉमिक वेट्स के बेस पे उन्होंने क्या किया था कि एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से अरेंज करना स्टार्ट कर दिया था। तो इनको अरेंज करने के लिए बहुत सारे उनके असिस्टेंट थे या फिर बहुत सारे उनके को साइंटिस्ट थे जिन्होंने उनकी हेल्प की थी। सबसे पहला हमारा साइंटिस्ट था डोबर्नियर ट्रेट्स से आप समझेंगे। डोबर्नियर नाम के साइंटिस्ट थे, जर्मन फिजिक्स। उन्होंने क्या किया था कि एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में अरेंज करना स्टार्ट कर दिया था, कि तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। जैसे आपके पास है आयरन कोबाल्ट और निकल, ठीक है। तो उन्होंने एलिमेंट्स के तीन तीन के पेयर बनाने शुरू कर दिए थे, और इस तरीके से उन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया था कि या तो इन तीनों का वेट जो है अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, या फिर जो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल जो एलिमेंट था उसका वेट इन दोनों के वेट के मीन के बराबर होगा, ठीक है। जैसे मान लो इसका वेट हमारे पास 15 है, इसका वेट हमारे पास 16 है, तो इन दोनों का जो मीन आएगा वो हमारे पास आएगा 31 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 15.5। अप्रोक्सीमेटली इसका वेट कितना होगा, ये एग्जांपल के तौर पे बताया, एक्चुअल में इनका वेट इतना नहीं होता, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि डोबर्नियर ट्रेट नाम का एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था कि तीन तीन एलिमेंट्स का अरेंज किया था, तीन तीन एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया था कि जो मिडल एलिमेंट है उसका वेट, एटॉमिक वेट, बाकी दो एलिमेंट के एटॉमिक वेट के मीन के बराबर होगी, मीन मतलब सम के बराबर होगी, सम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट साइंटिस्ट आया था टेलरिक स्क्रू। साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट लिया था उसने इस टाइप से, जैसे हेलिक्स होता है ना ऐसे, मतलब घुमावदार, इस तरीके से उसने सारे एलिमेंट्स को इस सिलेंडर के ऊपर अरेंज किया था। मींस कोई एलिमेंट यहां पे है, कोई यहां पे, कोई यहां पे, कोई यहां पे, कोई यहां पे, कोई यहां, इस तरीके से उसने एटॉमिक वेट के बेस पे सारे एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट अरेंज किया था। अरेंज करने के बाद उसने ये स्टडी किया
कि जो एलिमेंट जो सेम प्रॉपर्टी शो कर रही हैं, जो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं वो सेम वर्टिकल लाइन में फॉल होंगे, ठीक है। तो जो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं वो सेम वर्टिकल लाइन में लाई करेंगे। बट हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे तो इतना बड़ा हमारे पास सिलेंडर बनाने का कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए ये भी हमारे पास फेल हो गया था। डोबर्नियर ट्रेड्स नाम का जो साइंटिस्ट है वो भी अपनी स्टडी को लेके थ्योरी को लेके फेल हो गए थे, क्योंकि तीन तीन एलिमेंट्स का अरेंज हम नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे, ठीक है। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि डाउटफुल केसेस थे, जो कि डिस्कवरी जिनकी हमने अभी छोड़ दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जो साइंटिस्ट थे हमारे वो थे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये तो था हमारा टेलरिक स्क्रू। थर्ड साइंटिस्ट थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स से आप क्या समझते हैं? एट का ग्रुप, ग्रुप ऑफ एट, ग्रुप ऑफ एट एलिमेंट्स, ठीक है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या किया था, एट एट एलिमेंट का अरेंजमेंट किया था, एट एट एलिमेंट का ग्रुप बनाया था और एवरी फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो एवरी एट्थ एलिमेंट के सिमिलर थी, ठीक है। तो ये तो था हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, बट ये भी फेल हो गया था क्योंकि आगे जाके जो अरेंजमेंट ये कर रहा था ये साइंटिस्ट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, वो आगे जाके फेल हो गई थी इनकी थ्योरी, क्योंकि वो सेम प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे थे फर्स्ट एलिमेंट टू द एट्थ एलिमेंट। तो ये कुछ हद तक हमारा ठीक था बट ये इतना भी अच्छा नहीं था, तो इसलिए ये भी हमारा जो अरेंजमेंट था वो भी हमने फेल रिजेक्ट हो गया था। लास्ट वन है लोदर मेयर अरेंजमेंट। लोदर मेयर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, लोदर मेयर अरेंजमेंट बोलते हैं इसको हम, उन्होंने क्या किया था कि एक ग्राफ बनाया था एटॉमिक वेट्स और एटॉमिक वॉल्यूम के बेस के बीच में, एटॉमिक वेट्स और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में उन्होंने ग्राफ बनाया था और हमें ग्राफ इस तरीके से मिला था, ऐसे पीक्स, कहीं पर डिप्रेशन, कहीं पर पीक्स, ऐसे करके। और उन्होंने क्या वेरीफाई किया था कि जो एलिमेंट पीक पे लाई करते हैं, जो सेम पोजीशन पे लाई करते हैं एलिमेंट्स, या पीक पे लाई करते हैं या फिर डेप्थ पे लाई करते हैं जो एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होगी, ठीक है। तो ये थे हमारे चार साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, बट ये सारे के सारे साइंटिस्ट जो है फेल हो गए थे। लोदर मेयर एक्सपेरिमेंट इसलिए हमारा फेल हुआ था क्योंकि इतना बड़ा ग्राफ बनाना इतने सारे एलिमेंट के लिए पॉसिबल नहीं था। तो जितने भी ये हमारे डिस्कवरीज हुई थी ये सारे के सारे इनकी कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक। तो ये हमारे हिस्ट्री है चार साइंटिस्ट की। इसके बाद हम आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट जो साइंटिस्ट था वो था मेंडलीव, ठीक है। तो मेंडलीव ने काफी हद तक पीरियोडिक टेबल की जो हमारी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया था कि एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज करना है। उसने एक रफ आउटलेट बना दिया था, आउटलाइंस बना दी थी उसने रफ, जिसको आगे वाले साइंटिस्ट ने भी फॉलो किया था, जो कि लास्ट था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सबसे पहले हम मेंडलीव का लॉ पढ़ेंगे। मेंडलीव ने भी एक लॉ दिया था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के नाम से जो फेमस है, ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज के बेसिस पे मेंडलीव इन 1869 प्रपोज अ पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ प्रपोज किया था, ठीक है, जिसकी डेफिनेशन क्या है, दैट स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। क्या बोला है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक वेट के, मींस एक रेगुलर इंटरवल के बाद, पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, जैसे मान लो फर्स्ट एलिमेंट के बाद एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट जैसी होती है, मींस अपने आप को एलिमेंट जो है प्रॉपर्टी वाइज रिपीट करेगा। अगर हम उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एवरी फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू द एवरी एट्थ एलिमेंट, मतलब उनकी दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहेगी। तो मेंडलीव ने क्या दिया था हमें लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक फंक्शन है देयर पीरियोडिक फंक्शन है देयर एटॉमिक वेट, दैट इज When the elements are arranged in order of their increasing atomic weights, मतलब कि अगर हम elements को increasing atomic weight के order में arrange करते हैं, then the element with similar properties, तो जो element similar properties के हैं, repeated after the certain interval of time. तो क्या बोला है कि मेंडलीव ने ये बोला था कि अगर हम elements को increasing atomic weight के order में arrange करते हैं तो element with a similar property repeated after the certain interval of time, कुछ period के बाद वो अपने आप को repeat करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो मेंडलीव ने पीरियोडिसिटी का लॉ बताया था हमें, तो इसको बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इसके अलावा मेंडलीव ने हमें बहुत सारे, मतलब मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, मेंडलीव ने क्या क्या बताया था देखिए जरा,
पहले डेफिनेशन तो मेंडलीव ने क्लियर की थी, ग्रुप्स एंड पीरियड की। हाँ जी, तो आप भी पहले डेफिनेशन क्लियर करिए ग्रुप्स एंड। ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम, जितने भी आपको पीरियोडिक टेबल में कॉलम नजर आते हैं ऐसे, उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। एंड सेकेंड वन इज पीरियड। तो जो हॉरिजॉन्टल रोज आपको नजर आती हैं, हॉरिजॉन्टल जो भी आपको हॉरिजॉन्टल रोज नजर आती हैं, वो हमारे होते हैं पीरियड्स। ओके, तो दो टाइप में डिवाइड किया गया था टेबल हमारा, पीरियडिक टेबल, ग्रुप्स एंड पीरियड। ठीक है, तो जो मेंडलीव था उसने कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड की डिस्कवरी की थी, पहले तो आप ये देख लीजिए। मेंडलीव ने जब स्टार्ट किया था इसकी जितने भी हमने उसने इसको फाइंड आउट करना स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में ओनली 63 एलिमेंट्स थे। ठीक है, इन 63 एलिमेंट्स के बेसिस पे मेंडलीव ने पूरे पीरियडिक टेबल को 9 ग्रुप्स, 9 वर्टिकल कॉलम्स, 9 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। तो 9 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया था, जो कि हमने कहां से स्टार्ट किया था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। उसके बाद क्या किया था कि जो 0 एंड जो 8 ग्रुप है वो सिंगल सिंगल एग्जिस्ट करेगा, बट जो बाकी सारे ग्रुप्स हैं वो सब पार्ट में, सब ग्रुप्स में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे 1A, 1B, जैसे सेक्शंस होते हैं ना वैसे, मतलब 1 से लेके 7 तक के सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, और सेकेंड वन, सेकेंड इज इसके अंदर हमारे पास 1 to 6 पीरियड थे, मतलब अकॉर्डिंग टू 63 एलिमेंट्स के मेंडलीव ने 9 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया था, मतलब 9 ग्रुप्स बनाए थे एंड 6 पीरियड में डिवाइड किया था अपने पूरे टेबल को। ठीक, उसके अलावा मेंडलीव ने जो था ना, बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स हैं मेंडलीव के पीरियडिक टेबल के, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो हमारा रिसेंट पीरियडिक टेबल है उसके बारे में पढ़ने से पहले, क्योंकि आपको हिस्ट्री में अगर किसी चीज की पता होती तो उसमें इंटरेस्ट बन जाता है, इसलिए आपको पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करवाया मैंने, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाए। नेक्स्ट है हमारा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट अस स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है कि ये सिस्टमैटिक स्टडी करता है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसने सिस्टमाइज, सिस्टमैटिक स्टडी की थी एलिमेंट्स की। सिस्टमैटिक स्टडी कैसे की थी कि उसने क्लासेस में डिवाइड कर दिए कि ग्रुप्स इतने हैं, 9 ग्रुप्स हैं और 6 पीरियड है। ठीक है, तो अब जब भी आपको किसी भी प्रॉपर्टी का एक्सप्लेन करना है, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी का एक्सप्लेन करना है, तो आपको पहले ये बताना है ये वाले ग्रुप का पीरियड है, 5th ग्रुप का पीरियड है, देन इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं, ये 6th ग्रुप का, 6th पीरियड का एलिमेंट है तो इसकी प्रॉपर्टी ये है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने एक नामकरण कर दिया, मतलब नेम्स दे दिए उनको, कि अब हमें पीरियड के हिसाब से और ग्रुप के हिसाब से ही एलिमेंट्स को बुलाना है, ना कि उनको सिंगल सिंगल नेम से बुलाना है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे। सेकेंड वन इज, सबसे पहली है इसकी सिस्टमैटिक स्टडी की किसके बेस पे, ग्रुप्स है पीरियड के बेस पे। ठीक है, सेकेंड वन इज उसने करेक्शन की, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। ठीक है, मींस कुछ एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट था वो कुछ डाउटफुल था अकॉर्डिंग टू उनकी प्रॉपर्टीज के। तो ऐसे ही मैं एग्जांपल देती हूँ एक बेरिलियम का, अकॉर्डिंग टू बेरिलियम की प्रॉपर्टी के उसका एटॉमिक वेट 13.5 था। 13.5 होने के कारण अगर बेरिलियम लाई करता तो कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में लाई करते होना चाहिए था, बट कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में स्पेस ही नहीं था, तो फिर हमने कुछ और प्रॉपर्टी स्टडी की और फिर बेरिलियम की पोजीशन को फिक्स किया, मींस मेंडलीव ने बेरिलियम की पोजीशन को फिक्स किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर अदर प्रॉपर्टीज, अदरवाइज इस प्रॉपर्टी के बेस पे इसके कहीं पे अरेंजमेंट नहीं हो रहा था। तो उसने डाउटफुल एटॉमिक वेट को क्लियर किया। थर्ड वन इज न्यू एलिमेंट्स की स्टडी की, न्यू एलिमेंट्स, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। थर्ड वन इज डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेंडलीव से पहले 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, बट मेंडलीव ने ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाउटफुल वेट्स कुछ गैप्स बीच में छोड़ दिए थे हर एलिमेंट के बाद, जहां पे उसको लग रहा था कि कोई एलिमेंट आएगा उस एलिमेंट के लिए उसने स्पेस छोड़ दिया था, जो कि बाद में डिस्कवर होता रहा,
और आज जो एलिमेंट हमारे पास है, रिसेंट जो एलिमेंट है वो 118 एलिमेंट्स है और अभी भी इसकी डिस्कवरी कंटिन्यू है, मीन्स अभी भी हमारे पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक, तो थर्ड वन इज उसने डिस्कवरी की थी न्यू एलिमेंट्स की। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपके पास आ गए, बट ये टेबल जो था वो फेल हो गया था। मेंडलिव ने जो स्टडी की थी वो हमारी फेल हो चुकी थी बिकॉज ऑफ द रीजन, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, लेट अस स्टडी दीज लिमिटेशंस। लिमिटेशन क्या थी मेंडलिव पीरियोडिक टेबल की, कि उसने क्या किया था, हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा था फर्स्ट ग्रुप की, एंड हैलोजन्स वाले ग्रुप की मीन सेवंथ ग्रुप की भी प्रॉपर्टी को वो शो कर रहा था, हैलोजन्स की भी प्रॉपर्टीज को शो कर रहा था। तो मेंडलिव जो कंफ्यूज हो गया कि उसकी फर्स्ट ग्रुप में पोजीशन होनी चाहिए लास्ट ग्रुप में, तो इसको ये फिक्स नहीं कर पाया था। तो पहली लिमिटेशन तो उसकी यही होगी थी कि उसने हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं किया था। सेकेंड लिमिटेशन उसकी ये थी कि एनालस पेयर्स का ऑफ एलिमेंट्स बना दिए थे उसने, मींस कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका वेट ज्यादा होने के बावजूद, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने ये बोला था कि एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, मींस लोअर एटॉमिक वेट के एलिमेंट पहले होंगे फिर उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप उसको अरेंज करते जाओगे। बट जब उसने अरेंजमेंट किया तो उन्होंने देखा कि जो हमारे हायर एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट्स हैं वो पहले आ रहे हैं और जो लोअर एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट हैं वो बाद में आ रहे हैं। तो ये हमारी एक लिमिटेशन हो गई थी जिसके कारण वो मेंडलिव पीरियोडिक टेबल जो था वो रिजेक्ट हो गया था। थर्ड वन इज वो आइसोटॉप्स को पोजीशन नहीं दे पाया था। आइसोटॉप्स आपको पता है आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक वेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के हमारे तीन आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, तो उसने हाइड्रोजन को पोजीशन नहीं दे पाया था, तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की तो पोजीशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वैसे भी वो किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स की पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाया था, तो इसलिए भी वो रिजेक्ट हो गया था। लास्ट वन इज उसने क्या किया था, कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स, मतलब कि जो जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थी उनका एक ग्रुप बना दिया था, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप जो चीज मेंशन कर दो और उसके अगेंस्ट अगर आप जाते हो तो आपकी थ्योरी जो होती है वो फेल हो जाती है। दैट्स व्हाई मेंडलिव की जो थ्योरी थी वो फेल हो गई थी। बट मेंडलिव ही एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने पीरियोडिक टेबल का जो कहते हैं ना आप नींव रखी होती है जिसने, वो थे मेंडलिव। ठीक है, तो मेंडलिव के पीरियोडिक टेबल को आगे एक्सटेंड किया था मॉडर्न ने, मॉडर्न भी उनका एक असिस्टेंट था, मॉडर्न ने एक लॉ दिया उसी के बेसिस पे। लेट्स स्टडी, मेंडलिव ने जब अपनी जो एजम्पशन थी मेंडलिव की जो फेल हो गई थी उसके बाद हमारा था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जैसे मेंडलिव ने अपनी एजम्पशन दी थी कि जो एलिमेंट्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट हमें अरेंज करने हैं और वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट, बट वो फेल हो गए थे। आपको मैंने लिमिटेशंस करवाई हैं अभी। बट इसके बाद जो मॉडर्न था उसने एटॉमिक वेट्स की थ्योरी नहीं अपनाई, उसने क्या किया कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो उसने आप एटॉमिक नंबर्स के बेस पे उसको अरेंज किया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अपने आप को रिपीट करती है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर के बेस पे आप कैसे उसको अरेंज करोगे, इसका एक ही मेथड है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है वो सेम होनी चाहिए, मीन्स आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम होते हैं, जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे हम उसको सेम ऑर्डर सेम पीरियड या सेम ग्रुप में अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, सेम ग्रुप में उन एलिमेंट्स को अरेंज कर देंगे, तो इस हिसाब से हमने पीरियोडिक टेबल का अरेंज किया था। ठीक है, तो क्या बोला है कि दैट इज इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो एलिमेंट जिनकी सेम प्रॉपर्टीज है वो अपने आप को एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करते हैं, और इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट आप कैसे करोगे कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके नंबर सेम होंगे, तो इट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो अगर आपको आता है क्वेश्चन की कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी ये है कि सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कि एलिमेंट्स की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर सिमिलर होती है तो उनको सेम ग्रुप में आप प्लेस करोगे, तो इट इज द कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो ये तो था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। लास्ट में आपका जो प्रेजेंट फॉर्म है, जो अभी आपको आप स्टडी कर रहे हो अपनी बुक्स में, अपने जो भी आप ओपन करते हो आप पीरियोडिक टेबल के बारे में जहां पर भी स्टडी करते हो, जो आपको टेबल नजर आता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिमेंट है, अप्रोक्स 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो
let us study about the long form of periodic table. लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया गया था, 18 वर्टिकल कॉलम्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज। जो 18 वर्टिकल कॉलम्स की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो 18 वर्टिकल कॉलम्स क्या है हमारे पास? ग्रुप्स। उनको हम क्या बोलते हैं, उनका नेम क्या है? ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल रोज है उन्हें हम बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है, तो ये तो थे हमारे ग्रुप्स एंड पीरियड्स। उसके बाद हर ग्रुप में हमारे पास जो ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ, ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो वोबले एलिमेंट्स होंगे जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होगी। ठीक है, और पीरियड में जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, लेट अस स्टडी, तभी आपको आगे जो है कॉन्फिगरेशन का टॉपिक क्लियर होगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको टॉपिक जो इसका बेसिक है वो थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए थोड़ा समझना कंजुगेशन के बारे में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो मेन लेवल होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल का, उसको जितनी भी मतलब लेवल प्रेजेंट है किसी भी आउटर मोस्ट शेल में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। प्रिंसिपल मतलब सबसे हाईएस्ट, ठीक है, मींस जो सबसे मेन रोल जिसका होता है उसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन के नंबर आपके पास कुछ भी हो सकते हैं, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ओके, तो लेट अस स्टडी। देखिए यहाँ पे ये हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ठीक है, तो इसके बेस पे इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास एन जो है वो जीरो होता है, ठीक, तो हमारे पास एक सबशेल होती है एस, ओके सॉरी, अगर एन वन होता है तो हमारे पास एक सबशेल होती है एस। एस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एस ऑर्बिटल में वो होते हैं हमारे 2, ठीक। अगर एन हमारे पास 2 होता है तो वो है हमारे पास एक s ऑर्बिटल होता है इसके अंदर, ये 1s है, एक s होता है और 2 p होते हैं। ठीक है, तो जो s ऑर्बिटल होता है उसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो p ऑर्बिटल होता है वो हमारा 3 ऑर्बिटल से मिलके बनता है, 3 से मिलके बनता है। इट मीन 3 ऑर्बिटल को फिल करने के लिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं इस ऑर्बिटल के अंदर अगर हमारे पास n शेल जो है 2 है। अगर आउटर मोस्ट शेल का नंबर 3 है तो हमारे पास होते हैं 3s, ओके, 3p, ये 2 शेल्स की फिलिंग होती है। इसी तरीके से अगर आपके पास 4 है तो आगे, बट इससे पहले मैं आपको एक और टॉपिक क्लियर करूंगी, पहले आप 3 तक देखिए कि अगर n 1 होगा तो 1s मींस ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में आपके 2 एलिमेंट्स होते हैं ओनली। नेक्स्ट है n = 2 मतलब 2s एंड 2p, तो आपके पास 8 एलिमेंट होते हैं सेकेंड पीरियड में, और थर्ड पीरियड में आपके पास, थर्ड में भी आपके पास 8 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मेन, हम वो स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए आपको एक रूल क्लियर होना चाहिए जिसको बोलते हैं अबव प्रिंसिपल। ठीक है, अबव प्रिंसिपल, लेट अस स्टडी अबव प्रिंसिपल ऑफ फिलिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे शेल्स बनानी है 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, उसके बाद आप यहां से स्टार्ट करेंगे 2p, 3p, 4p, 5p एंड 6p। नेक्स्ट आएगा d, s, p, हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं s, p, d एंड f, ओके, तो यहां आएगा 3d, 4d, 5d और 6d, और लास्ट वन आएगा आपके पास 5f और 6f, ओके। फिलिंग आपको कैसे करनी है, आपको ऐसे एरो लगाने हैं, फॉलो लाइक दिस, ये आपने एरो लगाए, ठीक है। यहां से हम ऑर्डर निकालेंगे अब कि ऑर्डर ऑफ फिलिंग क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका फिल होगा 1s ऑर्बिटल, एस में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्लियर कर लीजिए, पी में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
और अर्थ में आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो आप जब इसकी फिलिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, 1s2, नेक्स्ट आएगा आपका 2s2, 2s2 के बाद आपकी फिलिंग है 2p6 की, 2p6 के बाद आपकी फिलिंग है 3s2, 3s2 के बाद आप किसको फिल करेंगे, 3p को, नॉट 4s, ठीक है, 3p2, ओके। और 3p के बाद, वैसे अगर हम देखें तो 3p के बाद 3d की फिलिंग होनी चाहिए, बट इसके अकॉर्डिंग आपको पहले 4s को फिल करना है। 4s को फिल करने का ये कारण है क्योंकि 4s की जो एनर्जी होती है, 4s ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है, वो अकॉर्डिंग टू 3d ऑर्बिटल के लो होती है। दैट्स वाई हमें 4s ऑर्बिटल को यहाँ पे पहले फिल करना है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ फिलिंग होगी वो होगी 4s2, देन होगा 3d10, देन होगा आपके पास 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 5f14, 5d10, 6p6, 6f14 और 6d10। ये आपको जो ऑर्डर ऑफ फिलिंग मैंने बताया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको फिल करने हैं, ये इसलिए बताया ताकि आपको पीरियड के बारे में प्रॉपरली क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब इसके बेस पे, इस जो कंजुगेशन मैंने आपको लिखवाई है, इसके बेस पे हम थोड़ी सी कंजुगेशन देखते हैं, ठीक है। लेट अस सी, पहले आप ये देख लीजिए कि मैंने आपको तीन पीरियड तक बताया था कि थर्ड पीरियड में, सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं। अब फोर्थ पीरियड की बात करते हैं, फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, ओके। जब आप फोर्थ पीरियड की बात करें तो आप 4 से स्टार्ट हो गए और 4 तक एंड करना है आपको, ठीक है। तो 4 से जब आप फिलिंग कर रहे हो तो 4s2, 3d10 और 4p6 की फिलिंग हो रही है, ठीक है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, तो जो फोर्थ पीरियड में आपके पास टोटल एलिमेंट होते हैं वो 18 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके पास फिफ्थ पीरियड की बात करेंगे हम, फिफ्थ पीरियड में आपके पास कितने एलिमेंट होते हैं, फिफ्थ पीरियड हमारे पास है 5s2 के बाद आपकी फिलिंग है 4d10 की, 5s2, 4d10 और 5p6, तो कितनी, किसकी फिलिंग हो रही है, 2, 10 और 6, ये भी आपके पास टोटल एलिमेंट 18 है। तो आपके पास फोर्थ एंड फिफ्थ जो पीरियड है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास कितने एलिमेंट फ्री फिल करने हैं आपने, 18 एलिमेंट्स होते हैं टोटल हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सिक्स्थ पीरियड। आपने देखा होगा अपनी बुक्स के अंदर जो पीरियडिक टेबल आपको दिया हुआ है कि जो आपका सबसे नीचे ना दो लाइंस दी होती हैं, एक को बोलते हैं एस्टेराइड, एक को बोलते हैं लेंथेनाइड्स। तो सिक्स पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उसमें 14 एलिमेंट होते हैं और उसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स। एंड सेवन पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं एस्टेराइड्स, एस्टेराइड्स। और आपका जो सेवन पीरियड होता है वो इनकम्प्लीट पीरियड होता है, ठीक है। तो इससे आपको ये आपने स्टडी कर लिया, मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास सेवन पीरियड होते हैं। सेवन पीरियड में फर्स्ट पीरियड में आपके पास दो वो एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड के अंदर आपके पास 8 एलिमेंट होते हैं, थर्ड में आपके पास 8 एलिमेंट होते हैं, फोर्थ में आपके पास 18 एलिमेंट होते हैं, फिफ्थ में भी आपके पास 18 एलिमेंट होते हैं, सिक्स्थ में आपके पास 14 एलिमेंट होते हैं और वो डाउन द पीरियोडिक टेबल लाइक करते हैं और उसको लेंथेनाइड्स बोलते हैं। सेवन्थ पीरियड में भी आपके पास 14 एलिमेंट्स होते हैं, उसको एस्टेराइड बोलते हैं, और सेवन्थ पीरियड जो आपका होता है वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो भी कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।